वहीं दूसरी तरफ अमेरिका समेत चार मुल्कों की ओर से ईरान पर ताजा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके बाद वह बुरी तरह आग बबूला हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची ने पश्चिमी देशों की ओर से तेहरान पर लगाए गए नए प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने साफ साफ चेताते हुए कहा कि उन लोगों पर कोई भी देश निजी इरादा थोप नहीं सकता। न्यूज एजेंसी IRIB के साथ इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची ने इंटरव्यू के दौरान कहा, पश्चिमी देशों को पता होना चाहिए और ये हैरान करने वाला है कि वे अभी भी नहीं जानते हैं कि प्रतिबंध एक विफल उपयोग है। वे प्रतिबंधों के जरिए ईरान पर अपने इरादों को थोप नहीं सकते, चाहे वे मुद्दे परमाणु से लिंक हो या अन्य देशों के संबंध में हो। इस बीच समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट में सैयद अब्बास अरगची के हवाले से बताया गया कि ईरान मजबूती के साथ अपने राह पर आगे बढ़ता रहेगा। हालांकि उनका देश हमेशा बातचीत के लिए रास्ता खुला रखेगा, ईरान संवाद का रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन ऐसी कूटनीतिक प्रक्रिया आपसी सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने शनिवार को जानकारी दी कि ईरान की ओर से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की बिक्री के बारे में कोई भी दावा निराधार है। दरअसल ईरान पर रूस को बैलिस्टिक मिसाइल बेचने का आरोप लगा है। ईरान ने पश्चिमी देशों के आरोपों की निंदा की, जिनमें दावा किया गया है कि ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूस को कम दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति की है। वैसे इससे पहले वहां के विदेश मंत्री ने बुधवार को कहा था कि ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की डिलीवरी नहीं की है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी गलत खुफिया जानकारी पर काम कर रहे हैं। पिछले मंगलवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को ईरान के लोगों के लिए आर्थिक आतंकवाद बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि तीनों यूरोपीय देशों को उचित कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बता दें, ईरान पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने नया प्रतिबंध लगाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने मध्य अफगानिस्तान के दयाकुंडी प्रांत में चरमपंथी इस्लामिक स्टेट IS द्वारा हाल ही में किए गए घातक हमले की निंदा की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक शुक्रवार को जारी बयान में ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बयान के मुताबिक ईरान ने अफगान अधिकारियों द्वारा उठाए गए आतंकवाद विरोधी कदमों के प्रति समर्थन व्यक्त किया और अपराधियों को दंडित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने टोलो न्यूज के हवाले से बताया कि हथियारबंद आतंकवादियों ने गुरुवार को दयाकुंडी में 14 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और 4 अन्य को घायल कर दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सभी मृतक स्थानीय निवासी थे। उन पर उस समय हमला किया गया जब वे तीर्थ यात्रियों का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए थे। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता मुफ्ती अब्दुल मतीन कानी ने गुरुवार रात को घटना की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने और अधिक जानकारी नहीं दी। वहीं IS ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में हमले की जिम्मेदारी ली है। इसमें 15 लोगों की मौत और 6 के घायल होने का दावा किया गया है।